हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आप मेरे हाथ में आईफोन एसी देख सकते हो। ये दो आईफोन एसी नहीं है मेरे पास, ये एक्चुअली में एक ही आईफोन एसी है जिसका ये हाल हो गया है। तो बात करते कैसे हुआ और इसको लेके मुझे क्या क्या परेशानी झेलने पड़ा और ई सिम मेरे गले का सबसे बड़ा कांटा कैसे बन गया इस पूरे जर्नी में, आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखते रहिए वीडियो को, बट पहले अभी मुझे निकलना होगा क्योंकि मुझे ये ठीक करने ले जाना है। बट आपके लिए ये तो इंस्टेंट हो जाएगा, जैसे मैं चुटकी मारूंगा आपके सामने फिर से पहुंच जाऊंगा। तो हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। मैं फिर से अच्छा नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ हो गया मेरे साथ इस कुछ 3-4 दिनों में पास्ट। तो जो मैंने अपडेट आपको लास्ट दिया कि मेरे आईफोन का हाल दिखाया, तो अभी भी वो बेहाल है। तो और भी कुछ अपडेट है कि मैंने वॉच का जो आईफोन है वो अभी भी रिपेयर होने के लिए है, अभी मुझे वो मिला नहीं है। तो जैसे ही मिलेगा मैं उसका आप तो अपडेट दूंगा ही। बट इसी के साथ एक चैनल अपडेट है और आपको एक जल्दी वीडियो नया देखने को मिलेगा कि मैंने एक नया फ़ोन परचेस किया है। और ये जो वीडियो है वो मेरे एक नए फ़ोन से ही परचेस जो किया है मैंने उसी से ले रहा हूँ। और आपको क्वालिटी में एक अपग्रेड ज़रूर दिख रहा होगा, ये मैं श्योर हूँ। और मैंने इससे माइक नहीं लगा हुआ है क्योंकि मैं उसका जो बिल्ट इन स्पीकर है फ़ोन का वो चेक करना चाहता था। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में कि क्यों आपको ई सिम के तरफ नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, जैसे मेरा फ़ोन आईफोन में था, मेरा प्राइमरी नंबर जो ई सिम में कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद मेरे आईफोन में प्रॉब्लम आया कि उसका डिस्प्ले टूट गया। तो टूटने के बाद टूटा नहीं था, बस केबल ख़राब हो गया था। बट सेम ही चीज़ है, मतलब काम नहीं आ रहा था वो, तो मैं पूरी तरह लॉक्ड हो चुका था। बट आप कहेंगे कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, जियो के स्टोर में या एयरटेल के स्टोर में जाओ, अपना आधार डॉक्यूमेंट पेश करो और एक नया सिम फिजिकल ले लो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये आप ज़रूर कर सकते हो। बट उसके साथ एक और चीज़ का रहना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका आधार का जो बायोमेट्रिक लॉक होता है वो अनलॉक रहना बहुत ज़रूरी है। बट आजकल के दिन में आपको अपना बायोमेट्रिक आधार का लॉक लॉक्ड ही रहना चाहिए क्योंकि काफ़ी सारे फ्रॉड्स आजकल हो रहे हैं जिसमें किसी पर्सन का बायोमेट्रिक लॉक यूज़ कर किया जा रहा है आधार का, और उसके आधार नंबर से उसके अकाउंट पूरा खाली कर दिया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेफ्टी फीचर है कि आप अपना आधार बायोमेट्रिक लॉक जो है वो लॉक्ड ही रखो। बट इसका एक डाउन साइड है कि आपका बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कोई भी आप एक्सेस नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं, विदाउट ओटीपी। और आप बोलो कि आप आधार सेवा केंद्र जाएंगे और वहाँ से कर लोगे, तो वो भी इम्पॉसिबल है। मैंने खुद खोज लिया है, मेरा एक दोस्त काम करते हैं वहाँ पे, तो उसने साफ बोल दिया है भाई ओटीपी के बगैर आप आधार सेवा केंद्र से भी कुछ नहीं कर सकते, ये ऑन नहीं हो सकता। तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था क्योंकि मेरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं कोई नया फ़ोन भी नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ही मैं एक्सेस नहीं कर सकता अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक आईफोन को ठीक करें, उसका स्क्रीन डैमेज हो गया था, तो मैंने एक नया स्क्रीन परचेस किया, उसको लगाने के लिए एक स्टोर में दे दिया। बट स्टोर में हुआ कुछ गलती, जिन्होंने लगा रहा था उनसे, और वो जो है वो उनका वो शायद बोर्ड में कुछ आईसी वगैरह उन्होंने डैमेज कर दिया, तो जिसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ोन ओवरहीट हो रहा था जैसे ही ऑन करता था, और 5 मिनट के अंदर ही फ़ोन टर्न ऑफ हो जा रहा था एकदम से। तो मैंने जैसे तैसे फ़ोन ऑन किया और अपना जो आधार का बायोमेट्रिक नंबर है वो लॉक है वो हटाया, और उसके बाद सीधा चला गया जियो स्टोर में। बट यहाँ से स्टोरी और ही बिगड़ता हुआ। यहाँ पे जियो की सर्विसेज के बारे में आप बात बात करेंगे, एयरटेल का मुझे पता नहीं, बट जियो की ई सिम सर्विसेज बहुत बेकार है। तो मैंने स्टोर में गया और स्टोर में जाके मैंने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड किया कि अब मुझे फिजिकल सिम मिल जाएगा, बट नहीं मिला। उनका पहला दिन सर्वर डाउन था, मैंने दूसरा दिन गया, दूसरा दिन वो बोल रहे थे उनका पास जो फिंगरप्रिंट जो स्कैन करते जहाँ से आधार वेरिफिकेशन होता है वो डिवाइस अवेलेबल नहीं है। तो मैं दूसरे स्टोर में गया, वहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन नहीं हो रहा था, तो उस दिन भी मेरा बेकार गया। तीसरा दिन उन्होंने कहा कि उस दिन शाम तक वो उनका जो बायोमेट्रिक का डिवाइस है वो आ जाएगा, तो हो जाएगा। बट यार कितना वेट करे, तो मैं एक दूसरे स्टोर में गया जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अपना पुराना वाला जो ई सिम है आईफोन का वो आप यहाँ पे अपने नया वाला जो फ़ोन है मेरा उसमें भी ई सिम का सपोर्ट है, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैंने फाइनली वो करवा लिया। बट मुझे पहले ही मैंने अपना इशू जो भाई पहले विजिट किया था जियो स्टोर में ही बताया था, पर उन्होंने कोई मतलब ऐसा कुछ बताया नहीं कि ये हो सकता है। बट उसके लिए ही मुझे एक चार्ज किया गया 100 रुपीज़, जो कि बिग तो नहीं है अमाउंट कहीं से भी, बट ये एक्चुअली सर्विस जो है वो फ्री है, टोटली फ्री है ये सर्विस, ये पेड सर्विस नहीं होना चाहिए था। बट उन्होंने देखा कि मैं जल्दबाजी में हूँ और मैं इसके लिए पे करने के लिए रेडी हूँ, तो उन्होंने इसका फ़ायदा लेते हुए कर दिया। मेरे पास ईमेल में बिल भी आया और बिल में 0 मेंशन था। तो अगर मैं ये केस करता जियो के ऊपर तो बताओ यार क्या करता, अगर मेरे पास सॉलिड प्रूफ होता कि मैंने पैसा दिया है, रिकॉर्ड वगैरह कर लेता, तो
बट कोई ना, जब हो गया तो हो गया। तो मुझे एक ई सीम के वजह से मैं चार ही तरीके से चारों तरफ से लॉक्ड हो गया। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरे इसलिए सब्सक्राइबर से, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसको उनको कोई भी परेशानी हो, इसलिए वो परेशानी मैं खुद अपने कंधे पे ले लेता हूँ कि कभी भी अपना पहला नंबर ई सीम मत कीजिएगा। जब आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा तब तो करना ही पड़ेगा, बट अभी जब आपके पास ऑप्शन है तो अपना प्राइमरी नंबर कभी ई सीम में मत डालना, उसको फिजिकल सिम रहना। अगर खो जाता है कोई बात नहीं, आप एक सीधा कंप्लेन करके अपना नया सिम ले सकते हो, बट अगर आप ई सीम कर लोगे तो हो गया भाई, हो गया, आपको ऐसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे। अगर फिजिकल सिम होता तो कंप्लेन करके मुझे दूसरे दिन ही शायद मिल जाता, बट अरे यार फिजिकल सिम हो तो कंप्लेन की जरूरत ही क्या है, मैं सीधा उसको निकाल के अपने नेक्स्ट फोन में डाल देता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। बट हाँ, ये एक मेजर इशू है आज के दिन में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप अपना नॉर्मल जो मेन सिम है वो फिजिकल रखो, और जो सेकेंडरी सिम है उसको आप ई सिम कर लो, जिसको अपने खोने के मतलब अगर आपके पास फोन भी खराब हो जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे आपको सिम तो डेफिनेटली एट द एंड मिल ही जाएगा, बट जो बीच में टाइम लगता है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अगले ही दिन आपको ऑफिस में जाना है, आपके क्लाइंट्स कॉल करेंगे आपको, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, तो एक बहुत मेजर इशू बन जाता है। और आपको भी इसका ध्यान आपसे रख के अपना सिम जो है कन्वर्ट करना चाहिए। मेरे चैनल में पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है इस सिम के कैसे ट्रांसफर कन्वर्ट करते हैं, अगर वो आपको जानने तो वो अभी भी चैनल में है, आप मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। बट ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही आप कन्वर्ट कीजिएगा। तो यही तक था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्द से चैनल को लाइक कीजिएगा, और मैंने क्या नया फ़ोन लिया है वो जानने के लिए चैनल बने रहिए, बहुत ही जल्दी उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।